हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे रेलवे ग्रुप डी का सिटी कैसे चेक करें या फिर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए आपको क्रोम ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। आप यहाँ टाइप करके क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पहला लिंक आएगा, सरकारी रिजल्ट क्लिक कर देना। अभी आपको ये दिखा रहा है, देखिए ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड, यहाँ क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, ऐसे नीचे आइए। फिर यहाँ आप क्लिक करिए डाउनलोड एडमिट कार्ड चेक एग्जाम सिटी, क्लिक हेयर पे क्लिक करें, क्लिक हो जाएगा। अब ये ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी ओपन हो जाएगा, आप वेट करिए 2 सेकंड। हो रहा है, जब तक आप अपना जो एप्लीकेशन फिलअप किया था उसको आप निकाल के रख लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देख लीजिएगा। ये देखिए अब खुल के आ गया। यहाँ पर आपको डालना है पंजीकरण संख्या, आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, सॉरी आपके एप्लीकेशन में दिख रहा है, जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला था उसमें दिख रहा होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको डालना है, मेरा है, मैं डालता हूँ 12 40 12। यहाँ टाइप करना है 12। यहाँ टाइप कर दिया। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जन्म तिथि, तो मेरी जो है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी करिएगा। ठीक है, अभी मैं ये देखिए मेरी जो है मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉग इन करें, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना है, देखो खुल रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। देखिए कह रहा है डियर कैंडिडेट, यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द फेस, प्लीज वेट फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। मतलब अभी मेरा जो एग्जाम सिटी है वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब हमारा अभी नहीं आया है कुछ। आपका आता तो आपका दिखाता, आगे जैसे ही होता तो ऑटोमेटिक दिखाता, आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठोक लीजिए पानी।